तुमसे दिल जब से मिला है। हेलो गाइस, आप सब देख रहे हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्वीन। तो आज मैं पोयला वैशाख वाला मेकअप लुक करूंगी और साथ ही साथ ये 1K स्पेशल वीडियो भी है। तो आज मैं ये वाला लुक क्रिएट करूंगी जो कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट है पोयला वैशाख के लिए। और मैंने आज साड़ी पहना है और मैं साड़ी का पिक्चर यहाँ डाल दूंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो स्टार्टिंग में ही मैं एक आईब्रो पोमेट के साथ अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। इस तरीके से मैं हल्के हल्के स्ट्रोक में कर रही हूँ, ज़्यादा डार्क में नहीं करूँगी तो वो अननेचुरल दिखते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं NYBA का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। कंसीलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं इसे पाउडर से सेट कर लूँगी। आई मेकअप के लिए मैं ये वाला पैलेट में से ये दो ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं एक आई शेडो ब्रश में लेके अच्छे से आई लिड पे अप्लाई कर दूँगी। बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। अभी मैं ये थोड़ा सा डार्क रेड टाइप का शेड लेके अप्लाई कर रही हूँ। ये गोल्डन शिमरी शेड लेके मैं इनर कॉर्नर से हाफ लिटर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं लैक्मे का आईलाइनर लगाऊंगी। ये आईलाइनर मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईलाइनर है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मैं इस छोटे से ब्रश में सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करके ब्लैक आई शेडो को लेके काजल की तरह लोअर लैश लाइन पर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास काजल नहीं है तो आप इस तरीके से काजल का इफ़ेक्ट ला सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देता है ये भी। अभी मैं आईलैश कर्लर से अपने आईलैश को कर्ल करूँगी कुछ इस तरीके से और उसके बाद मैं एक मस्कारा लगाऊँगी। यह मस्कारा बहुत ही अच्छा है। अभी मैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर को मेरे फेस में अच्छी तरीके से स्प्रे करूँगी। ये टोनर फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड करता है। तो अब मैं इस टोनर का फेस में एब्जॉर्ब होने का वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीप्स ब्यूटी का प्राइमर। प्राइमर को मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी। ये प्राइमर बहुत अच्छा है, आप मेकअप से पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई कीजिए। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA का स्टिक फाउंडेशन। फाउंडेशन को स्किन में अप्लाई करने के बाद मैं ब्रश में रोज़ वाटर को स्प्रे करके उससे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो बहुत ज़्यादा केकी दिखेगा और आपके पूरे लुक को ख़राब कर देगा। आप कितने भी अच्छी तरीके से आई मेकअप कर लो, अगर आपका फाउंडेशन केकी होगा तो आपका लुक पूरा बेकार हो जाएगा। फाउंडेशन के बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर हाईलाइट करने के लिए मेरे अंडर आई को। कंसीलर लगाने के बाद मैं ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूंगी बहुत अच्छी तरीके से। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ करूंगी सेटिंग स्प्रे। और मैं स्वीप्स ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं कंटूर करूंगी NYBA के कंटूर स्टिक के साथ। सेम कंटूर स्टिक को लेके मैं अपने नोज़ को भी कंटूर कर लूँगी। मैं ज़्यादा कंटूर नहीं करती हूँ अपने फेस को, पर अभी पोयला वैशाख लुक है, थोड़ा हैवी लुक है तो मैं कंटूर कर रही हूँ इस तरीके से अपने फेस को। अभी मैं सेम फाउंडेशन ब्रश को लेके इस कंटूर को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करते करते ऐसा लगना चाहिए कि कंटूर वाला शेड आपके स्किन टोन से दो शेड डार्क हो। अब तक मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है उसे सेट करने के लिए मैं पर्पल का ये कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ। इस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से सारा जो मेकअप प्रोडक्ट है वो लॉक हो जाए। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीच कलर का आई शेडो। आप आई शेडो से भी ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ ब्रिज ऑफ नोज़ और चिक्स पे। इस तरीके से मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी दो शेड। एक है ये वाला रेड शेड और इसके ऊपर से मैं एक पिंक कलर का भी शेड लगाऊँगी। तो आप देख लीजिए मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ।